उत्तर प्रदेश सरकार कृषि उपज बढ़ाने और खेती के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को राज्य के किसानों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत कराई। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वैज्ञानिकों की बात किसानों के माध्यम से कार्यक्रम के तहत अपराह्न 3 से 6 बजे तक कृषि वैज्ञानिक लखनऊ के योजना भवन से प्रदेश के 75 जिलों के NIC कक्षों में बैठे किसानों से एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। वैज्ञानिक खेती से संबंधित विभिन्न जानकारी किसानों के साथ साझा किया गया। वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ कार्यक्रम की लाइव इंटरनेट स्ट्रीमिंग भी किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित NIC भवन में डॉक्टर ओमवीर सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक गोरखपुर, उप कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय यादव, भूमि सर्वेक्षण अधिकारी अनिल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। से पैसे आपके खाते में चले जाए उसको और भी कम अवधि के भीतर हम उसको करेंगे। इसलिए धान की नर्सरी के साथ साथ अपने खेतों में आप ढांचा भी लगाएंगे और यदि उसको आप रखते हैं तो आपका नाइट्रोजन जो है आपके खेत की बढ़ेगी और यूरिया की खपत घटेगी। जो आमदनी बढ़ाए जाने का जो तरीके हैं उन तरीकों में पहला तरीका यह है कि लागत हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे और उस तरीके से ही हम उसको और ज़्यादा अपने खेत को उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और इसलिए ढेंचे का प्रयोग करें। साथ में जो नर्सरी हम लगाने जा रहे हैं उसमें वन और घर के बीच में शोधन का काम भी करना हमको चाहिए। पहले पुराने जमाने में हम लोग उसको करते थे, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में हम लोगों ने उसको छोड़ दिया है। तो उसे लेकर के जो थीरम और ट्राइपोड कई प्रकार की खेती अपने खेतों में बार बार करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि या तो उसका उत्पादन घटता है या बीमारियाँ उसके भीतर पैदा होती हैं। और इसलिए हमको अपना था हम सब लोगों ने धीरे धीरे करके एक ही प्रकार की धान, गेहूँ और गन्ना और उसमें भी एक ही प्रजाति होते हैं। जल्दी हम वेराइटी बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे प्रयोगों से ऐसे जो बीज निकले उसी तरीके से हमको बीज के बदलाव की जरूरत है। यदि हम पुराने उन बीजों को लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से सिंचाई के अभाव में वो हम तक अदायगी नहीं किया तो भी आपको 5 साल तक आपको सिर्फ केवल 4% ब्याज ही देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो जैसे उनके निर्देश आएंगे बहुत तरीके से अप्लाई होंगे। लेकिन ये भी हमने अपने समय बीज को भी लगा सकते हैं, संतुलित मात्रा में हम उर्वरक भी लगा सकते हैं। इसके बाद ऐसे कृषि यंत्रों पर हम लोगों ने इस साल 80% अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदेश के किसानों को उपलब्ध